नाउ स्टूडेंट्स आए इस टॉपिक को मैं एक स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल का सीईओ uh, ओ था 2011 तक उसकी बड़ी मशहूर सेइंग है बड़ी मशहूर कोर्ट है उससे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इट डजनट मेक सेंस टू हायर स्मार्ट पीपल एंड देन टेल देन वॉट टू डू वी हायर स्मार्ट पीपल सो दे कैन टेल्स वॉट वॉट टू डू आसान लफ्जों में जब कोई कंपनी किसी रिसोर्स को हायर करती है डेवलपर को हायर करती है प्रोजेक्ट मैनेजर को इस केस में हायर करती है तो वो इसलिए हायर नहीं करती कि कंपनी बताए कि उसने क्या करना है हम स्मार्ट लोगों को इसलिए हायर करते हैं कि वो हमें बताएं कि सही काम करने का तरीका क्या है एंड नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम द गाय वॉज रनिंग एप्पल एंड एप्पल इज आजकल एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इसके बारे में प्रोडिक्शन है कि ये ये हो सकते है, पहली कंपनी हो जो कि वन ट्रिलियन डॉलर की उसकी वैल्यू हो आने वाले आने वाले सालों में प्रॉबेबली सो so, ये ये वो बंदा कह रहा है कि हम बंदों को इससे नहीं हायर करते यानी स्मार्ट बंदों को इससे नहीं हायर करते कि हम उन्हें बताएं कि कंपनी कैसे रन करनी है हम इसलिए हायर करते हैं कि वो हमें बताएं कि काम करने का सही तरीका क्या है नाउ दिस दिस विल टेल यू द होल फिलोसफी अब इसी आईडिया को सब्सेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक लाइफ यानी एक्चुअल एग्जाम्पल बताता हूं एंड इट इट्स इट कम फ्रॉम नथिंग फ्रॉम गूगल नाउ मुझे आपको पता है कि हाउ बिग एंड हाउ फेमस गूगल इज अब जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है यानी आप यू समझें कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन uh, आजकल हमारे और इंटरनेशनल इको में बहुत चल रहा है कि जी टेक्नोलॉजी एक चीज है और मैनेजमेंट एक चीज है आसान लफ्जों में कि अगर डेवलपर मैनेजमेंट में चला गया तो ही और शी इज नॉट टेक्निकल क्योंकि जो मैनेजमेंट है इट उसका मतलब यह है कि इट इज इट इज अबाउट ट्रस्ट इट इज अबाउट डेलीगेशन मतलब अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है और उसे मैंने कोई काम दिया है तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना है उस टाइम तक जब तक जो टाइम मैंने उसे दिया है एक पर्टिकुलर काम करने का Now, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी आसान है सुनने में एंड इट लुक वेरी इजी लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अमूमन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर को, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है मैंने अगर उसको अपने क्लाइंट का कोई काम करने को दिया है तो मैं एक्चुअली उस बंदे पर ट्रस्ट कर रहा हूं उसके दिए हुए टाइम लाइन्स पे उसके दिए हुए डेड लाइन्स पे मैं ट्रस्ट करके अपने क्लाइंट को बता रहा हूं कि एक्स डेट को, को तुम्हें तो यह काम मिल जाएगा अब मूमन क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साल लफ्जों में माइक्रो मैनेजमेंट यानी आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हर दस मिनट के बाद हर घंटे बाद उसको बुला के पूछो काम का क्या हुआ क्या हुआ दिस विल क्रिएट ए नॉइंस एंड मिसट्रस्ट सो द एग्जाम्पल कम फ्रॉम गूगल 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 का जो चेयरमैन या सी ईओ कह लें या को फाउंडर लेरी पेज उसकी उम्र उस वक्त बाईस साल थी जब उसने गूगल क्रिएट किया था ही वॉज वेरी यंग

प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंजीनियरिंग मैनेजर्स सारी मैनेजमेंट लेयर ही उसने वन गो में फायर कर दी रीजन बड़ा उसका इंटरेस्टिंग था और ये आज तक होल्ड uh, करता रीजन ये था कि क्योंकि लोग ज्यादा हैं ऑब्वियसली कंपनी स्केल कर गई थी जब लोग ज्यादा हैं तो मैनेजर्स की वजह से जो वो काम करना चाह रहा है जिस स्पीड से लैरी पेज उस स्पीड से नहीं हो पा रहा रीजन जो मैनेजर्स हैं वो डिले कॉज कर रहे हैं बिकॉज जब याद रखें जब मैनेजमेंट लेयर बीच में आएगी तो मैनेजमेंट लेयर बात कर रही होती है डेवलपर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एंड सो ऑन सीईओ नहीं कर रहे होते क्योंकि अब डायरेक्ट बात नहीं हो रही सीईओ और इंजीनियर्स की तो ये बिल्ट इन एक आपके पास एक चीज आ जाती है क्योंकि मैनेजर्स बीच में आ गए हैं तो उसकी वजह से काम डिले हो रहा है यहां पे और दिस इज कमिंग फ्रॉम गूगल उसके बाद एक बंदा था एरिक शमिट डॉक्टर एरिक शमिट ही जम्स इन वो कैसे आया वो एक सेपरेट स्टोरी है ही जम्स इन एंड ही कन्विंस लैरी पेज दैट ही इज डूइंग ही हैज डन अ डिजास्टर्स यानी एक बहुत गलत डिसीजन हो गया यू कॉन्ट कन यू कॉन्ट रन अ कंपनी लाइक दिस सो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स गूगल रीहायर ऑल दोज प्रोजेक्ट मैनेजर्स सिंपल वन लाइन और आर्ग्यूमेंट जो डिवेलपर्स हैं आप उनको ऑटोमेटिकली खुद से ऑर्गेनाइजिंग कर सकते मतलब एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा है फेमस एजाइल और हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर बाद उसका मतलब कतन ये नहीं है कि लोग खुद से काम करना शुरू कर दें बताए बगैर अब ये मैं आपको बता रहा हूँ देट इज अराउंड टू थाउजेंड फोर यानी आज से कोई चौदह साल पहले की मैं आपको बता रहा हूं यह मसला एंड इट इज कमिंग फ्रॉम गूगल तो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स जो गूगल पे रूट कॉज निकला था इस पूरे एपिसोड का एंड एंड दिस दिस एपिसोड वाज वेरी फेमस ये रेफरेंस यू आर बी आपको नजर आ रहा होगा यू कैन आई सजेस्ट यू गो एंड रीड द होल स्टोरी क्योंकि ये वो कंपनी है जो दो बंदों से स्केल करके हजारों एम्प्लॉयज पे गई है रूट कॉज ये था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स पहले गूगल में हायर हुए हुए थे दे वर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड यानी द प्रोजेक्ट मैनेजर वर नॉट वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं थे वो बिजनेस बैकग्राउंड के थे तो वट दे डिड वॉज के अब उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंजीनियरिंग मैनेजर्स डेवलपर्स या टेक्निकल बैकग्राउंड के हायर करना शुरू किए डॉक्टर एलिक्स मिट्ट ने लेकिन स्टिल ये मसला इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको समझा सकता हूं या आपको यानी जब कंपनी ग्रो करती है तो दो चीजें जो मैनेजमेंट है उसको समझनी है कि दे विल बी अ थर्ड लेयर जिसपे आपको ट्रस्ट या डेलीगेट करना पड़ेगा हु एक्चुअली विल बी रनिंग द शो एक्चुअली विल बी रनिंग द कंपनी या जो कंपनी का विजन है वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है कभी भी हायर मैनेजमेंट खुद जंपिंग नहीं करती तो ये एक्चुअली यानी टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ये एक्चुअली इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा टेक्नोलॉजी देखेगा ये बंदा मैनेजमेंट देखेगा ऐसा नहीं होता बोथ इन्वॉल्व ट्रस्ट एंड बोथ इन्वॉल्व डेलीगेशन अदरवाइज आई कैन आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज लोकली जो कि इस प्योरली इस uh, इशू की वजह से दे आर इन इन दे एज्यूम के लोग खुद से सही तरीके से काम करना शुरू कर देंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है विच इज एक्चुअली रॉन्ग